हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है थर्ड लेक्चर के ऊपर बेटा डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल किंगडम का दो लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है, ठीक है। आप फटाक से दोनों लेक्चर को उठाओ और फटाक से कर डालो उसको, उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थर्ड लेक्चर है हमारा आज एनिमल किंगडम का, ये तीसरा लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास वो है बेटा नोटोकॉर्ड। क्या है? नोटोकॉर्ड के बारे में है भाई। अब ये नोटोकॉर्ड समझो क्या है। कहता है जैसे जब अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, तो जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास नोटोकॉर्ड होता है और फिर वही नोटोकॉर्ड डेवलप होकर के बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और जैसे ही हम जब मैच्योर होने लगते हैं, मां के गर्भ में ही जब हम मैच्योर होने लगते हैं, तो यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट करके क्या बन जाता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो, नोटोकॉर्ड है और यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होकर के क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। ये बात क्लियर हो गया ना? यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होके क्या बना दिया? हाँ, वर्टिब्रल कॉलम बना दिया। अब रही बात कि सर नोटोकॉर्ड होता किसमें है, तो आप याद रखिएगा पॉरीफेरा से लेके कॉर्डाटा तक का जो फाइलम हमने याद करवाया बेटा फर्स्ट लेक्चर में, उसमें आप गौर करना कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे क्या है, एक है नॉन क्वाड्रेट्स, एक को हम बोलते हैं बेटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से टॉपिक को, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया बेटा? दो में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। एक को हमने क्या नाम दे दिया है? एक को हमने नाम दिया नॉन क्वाड्रेट्स। क्या कहा हमने? नॉन क्वाड्रेट्स कहा एक को हमने, एंड द सेकेंड वन इज क्वाड्रेट्स। अब ये दोनों क्लियर हो गया ना, नॉन क्वाड्रेट्स किसको कहा हमने, क्वाड्रेट किसको कहा। तो नॉन क्वाड्रेट्स का मतलब क्या हो गया ये बताओ, नॉन क्वाड्रेट्स का मतलब क्या हो गया? कहता है जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड, और सॉरी नॉन क्वाड्रेट्स, और जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट्स। तो यहां पे देखो, देख बेटा हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा हम उसको नॉन क्वाड्रेट्स बोल देंगे, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड क्या है बेटा, प्रेजेंट है, तो इसको हम क्वाड्रेट्स बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखो, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, यहां पे कहता है कि अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर, क्योंकि आपने अभी बता रखा है कि नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है, यहां तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बनेगा। और ऐसा कहां से कहां तक है बेटा? ये है पॉरीफेरा से हेमीकॉर्डाटा तक, पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डाटा तक के जितने भी मेंबर हैं वो सब में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। अब जो आपको क्वाड्रेट्स बच गए, क्या बच गए बेटा? क्वाड्रेट्स बच गए, है ना। तो इन क्वाड्रेट्स में जैसे आपको इसमें, इसी में क्वाड्रेट्स में अगर आप बात करोगे तो इसी में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते, इसी क्वाड्रेट्स के अंदर आपको कौन आ गया, एम्फीबिया आ गया, रेप्टाइल्स भी आ गया बेटा, है ना, बर्ड्स भी आ गया, मैमल्स भी आ गया, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ गया आपको, क्वाड, इन सब में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और इधर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ ना। चलो फटाक से इसको नोट करो फटाक से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपने पास बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब समझना ध्यान से,
एक मजेदार बात आपको बताते हैं, जब अपन लोग मां के गर्भ में डेवलप कर रहे होते हैं है ना, तो ध्यान देना क्या होगा, जब हम लोग मां के गर्भ में डेवलप कर रहे होते हैं तब पहले माउथ ऑफ एनस बनता है हम लोग का, तो इसको दो में ऐसे डिवाइड करते हैं, ब्लास्टोपोर्स, पहले ऐसे समझो, एक को हम लिख लेते हैं प्रोटोस्टोम्स, ठीक है, और एक को हम लिख देते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। अब गौर से समझना बेटा, प्रोटोस्टोम से मतलब क्या हो गया, ब्लास्टोपोर यहां पर माउथ बनाएगा और बाद में एनस बनेगा, आप ऐसे समझो, ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ, और यहां पर क्या हो गया, ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पहले माउथ बना होगा बाद में एनस बना होगा इसको प्रोटोस्टोम बोलते हैं, और ऐसा एनिमल जिसमें पहले एनस बना और बाद में माउथ बनेगा उसको बोलेंगे क्या, ड्यूटेरोस्टोम। तो हम क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म्स इन विच माउथ फॉर्म अर्लियर देन एनस, और इसका जस्ट उल्टा बेटा इधर लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म्स इन विच एनस फॉर्म अर्लियर देन माउथ, ठीक है, इधर कॉन्ट्रेक्ट आ गया है ना, हम लोगों में क्या होता है पहले एनएस बनेगा फिर माउथ बनेगा, इधर पूरा का पूरा आ गया है ना, तो इधर आप जितना भी ले लो बेटा सिलेंट्रेटा से लेकर के पूरा का पूरा ले लो, तो इधर क्या आ गया, सबसे पहले बनेगा माउथ बाद में एनस, और इस क्वाड्रेट्स में क्या बनेगा, पहले एनस बाद में माउथ, ठीक है, हो गया, लिख लो फटाक से। आओ अब है प्रेजेंस ऑफ लार्वा स्टेज, हालांकि इसको सिलेबस से हटा दिया गया, यहां से क्वेश्चन बन रहता नहीं है आपके, नीट में हट चुका है पार्ट, आप ऐसे समझ लो, सिर्फ इतना ही समझ लो, एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, टेंशन मत लो, इतना ही समझ लो कि ये लार्वा स्टेज का मतलब क्या हो गया, कि अगर देखो ऐसे मान लो कोई कोई एनिमल है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉग का, ठीक है, जैसे मान लो ये एडल्ट फ्रॉग है बेटा, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग है, अब ये फ्रॉग क्या करेगा, रुक जाओ ऐसे ऐसे बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे बताते हैं आपको, जैसे मान लो एक मेल फ्रॉग है और एक क्या है फीमेल फ्रॉग, ये क्या रिलीज करेगा स्पर्म, ये क्या रिलीज करेगा एग, आपको पता होगा एक फीमेल फ्रॉग 2500 से 3000 2500 टू 3000 एग्स एक बार में देती है, ये दोनों बेटा फ्यूज कर गया क्या बनाया जायगोट, अब यही जायगोट डेवलप करेगा और बनाएगा टैडपोल, और यही टैडपोल डेवलप करके फिर से क्या बन जाएगा एडल्ट फ्रॉग, अब समझो हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, ये जो टैडपोल है यही लार्वा स्टेज हो गया फ्रॉग का, अब बोलोगे सर कैसे, क्योंकि जब ये टैडपोल बना था तो टैडपोल कैसा होता है, ये एक्वेटिक है पानी में रहता है, इसके पास सांस लेने के लिए क्या है बेटा गिल्स है ना, ये फिश के जैसा दिखता है मछली के जैसा दिखता है, अब देखना ध्यान से, ये लार्वा जैसे बटरफ्लाई देखते उससे कैटरपिलर आ जाता है ना, कैटरपिलर क्या हो गया लार्वा स्टेज हो गया आपका बेटा, तो इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि लार्वा स्टेज होता है और लार्वा स्टेज फिर डेवलप करके एडल्ट फ्रॉग बनाता है या एडल्ट स्टेज बनता है ना, अपने में ऐसा नहीं है, हम लोग क्या होता है हम लोग डायरेक्ट बेबी जन्म लेते हैं, अगर ऐसा होता मान लो कि पहले मदर फादर जो बच्चे को जन्म देते बच्चा दिखता बंदर की तरह फिर धीरे धीरे आदमी के जैसा आता तो अपन लोग उसको लार्वा स्टेज कह सकते थे, बट ऐसा है नहीं, अपन लोग डायरेक्ट बेबी जन्म लेते ह्यूमन बेबी, यहां क्या है कि जब बच्चा जन्म ले रहा है तो पहले वो टेडपोल हो गया, ये मछली के पूरा लाइफ ही अलग है इसका, फिर ये डेवलप करके ओरिजिनल फेस में आया, इसी को हम क्या बोलते हैं लार्वा स्टेज,
तो लगभग जो ऑर्गेनिज्म है सब में लार्वा स्टेज पाए जाते हैं, कुछ एकाध को छोड़ के, जैसे कॉर्डाटा हम अपने में, हम लोग में नहीं है। अगर आप पूरा कॉर्डाटा नहीं कह सकते क्योंकि एम्फीबिया में लार्वा स्टेज फ्रॉग में देखने को मिल जाता है, कुछ रेप्टाइल्स में भी देखने को मिल जाता है ना, बर्ड्स में, मैमल्स में, हम लोगों में लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब में देखने को मिलता है बेटा, सब में। आप पॉलीफेरा से लेकर के पूरा इकाइनोडर्माटा तक आ जाओ, सब में लार्वा स्टेज लगभग दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलो आते हैं यहाँ पे बेटा, ये प्रोटोजोआ है, हालांकि ये भी पढ़ना है नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पॉलीफेरा से एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया, बट प्रोटोजोआ ऐसे समझो, इसको कहते हैं सबसे स्मॉलर फाइलम, सबसे छोटा फाइलम, है ना, स्मॉलेस्ट फाइलम का खिताब इसको दिया गया है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या करते देखना, इसी को कहा गया है स्मॉलेस्ट फाइलम, इन दिस फाइलम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक, देखना बेटा, अमीबा हो गया, पैरामीसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, ईटीसी कर देंगे, ये सारे ऐसे सेल है जो बहुत अर्लियर टाइम में आए थे, इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोटोजोआ, फाइलम में रखे, ये बहुत स्मॉलेस्ट है ना। अगर आप इसमें से देखो, अगर आप अमीबा को लेके चलो, तो मान लो कि बेटा ये अमीबा हो गया, सपोज किए ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, अब इसमें फूड वैक्यूल भी हो गई, तो आप जानते ही, अमीबा में ये जो दो निकला हुआ दिख रहा है ना आपको ऐसा, है ना, इसको हम रुक जाए इधर बनाते हैं, देखो ये जो निकला हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया, क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब क्या हो गया बेटा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट है ना, इसी के मदद से, इसी स्यूडोपोडिया के मदद से ये लोकोमोशन भी करेगा, कौन, अमीबा, फूड कैप्चरिंग भी करेगा, ठीक है ना, इसी स्यूडोपोडिया का लोकोमोशन करना, फूड कैप्चरिंग करना, वो सारा काम किससे करेगा, स्यूडोपोडिया की मदद से करेगा, तो ये अमीबा के केस में हो गया, ठीक है ना, ये प्रोटोजोआ फाइलम में आता है। अगर आप पैरामीसियम की बात करेंगे तो ये बिल्कुल फूड शेप का दिखता है बेटा, देखो इसको हाइपोस्टोम बोलता है, इसमें छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं, क्या लगा होता है बेटा, छोटा छोटा सीलिया, देखो यहां पे ये पूरा सीलिया लगा हुआ। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पैरामीसियम में लोकोमोशन कैसे होता है, हम क्या बोलेंगे बेटा, बाय द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, ये वाला हाइपोस्टोम बोलते हैं, मतलब यही काम करेगा माउथ के जैसा भी और एनस के जैसा भी, ठीक है। अमीबा के साथ क्या है, ये कहीं से भी खाना खा भी सकता है और निकाल भी सकता है, दोनों कहानी है। तो ये क्या हो गया आपको, पैरामीसियम हो गया। अगर आप यूग्लिना को देखेंगे तो देखो यूग्लिना में भी क्या है, अगर यूग्लिना को देखेंगे आप लोग, ये यूग्लिना में बेटा ये फ्लैजिला हो गया, लॉन्ग फ्लैजिला हो गया। तो यूग्लिना की अगर हम बात करते हैं तो एक लॉन्ग फ्लैजिला, इसको लॉन्ग फ्लैजिला बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लॉन्ग फ्लैजिला बोलेंगे, ये शॉर्ट फ्लैजिला हो गया। फ्लैजिला के मदद से ही बेटा ये लोकोमोशन करता है, और इसके अंदर जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, क्या पाए गए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया वाटर बैलेंस करना, ठीक है ना, ये वाटर बैलेंस करता है, मतलब बॉडी के अंदर कितना वाटर होगा और बॉडी के बाहर कितना वाटर होगा।
तो आपका इस तरह से बेटा पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तीन लेक्चर में। चौथा लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसमें हम सीधा फाइलम स्टार्ट करेंगे बेटा, पॉडिफेरा। ठीक है, आपका एनिमल किंगडम का आज पूरा इंट्रोडक्शन टॉपिक खत्म हो गया। कल से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पॉडिफेरा फाइलम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा, इसको अच्छे से आप कर लो और फिर लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।